अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। हम लोग स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 7 इज अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज के लेक्चर में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे हुक्स लॉ को, लेकिन हुक्स लॉ को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करेंगे। वेरी फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे कि इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिक लिमिट क्या है और इलास्टिक मटेरियल्स कौन से मटेरियल्स होते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब स्टूडेंट्स हम डिफाइन करते हैं कि इलास्टिसिटी क्या है। इलास्टिसिटी को डिफाइन करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि इलास्टिक मटेरियल कौन से मटेरियल हैं। स्टूडेंट्स वो मटेरियल जिनके ऊपर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके हम उनकी शेप को, उनकी लेंथ को, उनके साइज को चेंज करें, यानी किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करके उनको डिफॉर्म करें, तो डिफॉर्म करने के बाद थोड़ी देर बाद अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर दें तो एक्सटर्नल फोर्स के रिमूव करने से बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को, ओरिजिनल साइज को, ओरिजिनल डायमेंशंस पे वापस चली जाए, ओरिजिनल साइज को रीगेन कर ले, ओरिजिनल शेप को रीगेन कर ले, तो ऐसे मटेरियल को कहते हैं इलास्टिक मटेरियल। और ये प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बॉडी ने अपनी ओरिजिनल शेप को, ओरिजिनल साइज को रीगेन किया है, इसे कहते हैं इलास्टिसिटी। सो इलास्टिसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी व्हिच इनेबल्स द बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज रिमूव्ड। इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है बॉडी की जो कि बॉडी को काबिल बनाती है कि वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर ले, ओरिजिनल साइज को रीगेन कर ले। कब? जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करें। डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स है जिसकी वजह से बॉडी की शेप में चेंज आया, बॉडी के साइज में चेंज आया, बॉडी की लेंथ में चेंज आया। सो जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करें तो डिफॉर्मिंग फोर्स के रिमूव करने से बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को, ओरिजिनल साइज को रीगेन कर ले, तो ऐसे मटेरियल को कहते हैं इलास्टिक मटेरियल और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। सो स्टूडेंट्स मटेरियल दैट पोजेस इलास्टिसिटी आर कॉल्ड इलास्टिक मटेरियल्स। अब इलास्टिसिटी एक लिमिट तक एग्जिस्ट करती है, यानी एक लिमिट तक अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने से बॉडी की शेप में चेंज आता है, और इस लिमिट में रहते हुए अगर आप फोर्स को रिमूव करते हैं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैन इस रबर को खींच रहा है, पुल कर रहा है, इस पर फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगाकर इस रबर को डिफॉर्म कर रहा है, इसकी लेंथ को चेंज कर रहा है। अब स्टूडेंट्स अगर ये मैन बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगाता, यानी इलास्टिक लिमिट में रहते हुए फोर्स लगाता है, तो तब वो अगर एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेगा तो ये रबर अपनी ओरिजिनल लेंथ पे वापस जाएगी। लेकिन अगर वो फोर्स बहुत ज्यादा लगा देता है तो तब ये रबर ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगी और अपनी ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल लेंथ में वापस नहीं जा सकेगी। सो मटेरियल्स आर इलास्टिक अप टू अ सर्टेन लिमिट कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। आफ्टर इलास्टिक लिमिट्स मटेरियल्स विल नॉट रीगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्सेस रिमूव्ड। यानी एक लिमिट में रह डियर स्टूडेंट्स रॉबर्ट हुक An English scientist in 1660s stated an empirical law, and the law was named after him as Hooke's law. Robert Hooke, एक English scientist,
एक इंग्लिश फिजिस्ट ने 1660s में एक एम्पेरिकल ला दिया जिसको हुक्स ला कहते हैं। एम्पेरिकल ला ऐसा ला होता है जो कि ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होता है। रॉबर्ट हुक ने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम किसी स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करके हम स्प्रिंग में कंप्रेशन या एक्सटेंशन प्रोड्यूस करते हैं। ये कंप्रेशन या एक्सटेंशन जो कि स्प्रिंग में प्रोड्यूस होता है ये डिपेंड करता है कि हम कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, कंप्रेशन उस टर्म का नाम है, कंप्रेशन उस टर्म को कहते हैं, यानी जब इस स्प्रिंग पे हम फोर्स अप्लाई करके इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस करने से स्प्रिंग में कंप्रेशन प्रोड्यूस होता है, यानी इसकी लेंथ डिक्रीज हो जाएगी जब मैं इसको कंप्रेस करूंगी। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स, अगर हम इस स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई करें तो फोर्स अप्लाई करके हम स्प्रिंग को खींचते हैं, खींचने का मतलब हम इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस करते हैं। फोर्स अप्लाई करके जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो इससे स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज करती है। स्टूडेंट्स, रॉबर्ट हुक ने ये ऑब्जर्व किया कि जब किसी स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई करके कंप्रेशन या एक्सटेंशन प्रोड्यूस की जाती है तो वो कंप्रेशन या एक्सटेंशन डिपेंड करता है कि कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी जितनी हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही उस स्प्रिंग में कंप्रेशन या एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी। अगर मैं फोर्स इतनी अप्लाई करती हूँ तो इसमें जो एक्सटेंशन है वो भी इतनी ही प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन जब मैं फोर्स को डबल करूंगी तो फोर्स को डबल करने से इसमें एक्सटेंशन भी डबल होगी। जब फोर्स को मजीद इंक्रीज करेंगे तो उसी रेशो में एक्सटेंशन में भी इंक्रीज आएगा। सो रॉबर्ट हुक ने क्या देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा कि एक्सटेंशन इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। जितनी फोर्स अप्लाई हो रही है उतनी ही एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन स्टूडेंट्स, इसके साथ उसने मजीद देखा कि ये लॉ होल्ड करता है विद इन अ लिमिट, जो कि कौन सी लिमिट है? इलास्टिक लिमिट। और इलास्टिक लिमिट कौन सी लिमिट होती है? वो लिमिट जिसके अंदर रहते हुए अगर हम बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसी लिमिट के अंदर रहते हुए जब फोर्स को रिमूव किया जाएगा तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप या डायमेंशन को रिगेन कर लेती है, उस लिमिट को कहते हैं इलास्टिक लिमिट। सो हुक्स लॉ के मेन पॉइंट्स क्या हैं? कि हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल टू द स्ट्रेची स्प्रिंग एंड वायर। सेकंड चीज हुक्स ने ये देखी, रॉबर्ट हुक ने ये ऑब्जर्व किया कि जो फोर्स अप्लाई की जाती है वो डायरेक्टली रिलेट करती है जो कि एक्सटेंशन या कंप्रेशन प्रोड्यूस होता है। देन उसने मजीद ये देखा कि ये ला होल्ड करता है विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी इस लिमिट के अंदर जब हम फोर्स को रिमूव करेंगे तो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेगा, स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल हालत को रिगेन कर लेगा। स्प्रिंग की जो ओरिजिनल डायमेंशंस थी, ओरिजिनल जो लेंथ थी या उसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो उसको रिगेन कर लेता है, तो इस लिमिट को कहते हैं इलास्टिक लिमिट और हुक्स लॉ अप्लीकेबल है विद इन द इलास्टिक लिमिट। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस स्लाइड में आपने हुक्स लॉ के मेन पॉइंट्स स्टडी किए कि हुक्स लॉ होल्ड करता है फॉर स्ट्रेची स्प्रिंग्स एंड वायर्स। स्ट्रेची स्प्रिंग्स और वायर्स पर आप हुक्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने देखा कि हुक्स लॉ को डिराइव किया था, डिस्कस किया था, प्रेडिक्ट किया था एक इंग्लिश फिजिस्ट, एक इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने 1660s में। और उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम किसी स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने से उस स्प्रिंग में एक्सटेंशन या कंप्रेशन प्रोड्यूस होता है।
एक्सटेंशन कौन सी टर्म है, यानी जब हम फोर्स अप्लाई करके स्प्रिंग की लेंथ में इंक्रीज लाते हैं तो उस टर्म को कहते हैं एक्सटेंशन, और जब हम किसी स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई करके उसको कंप्रेस करते हैं, उसकी लेंथ को डिक्रीज करते हैं, तो उस टर्म को नाम देते हैं कंप्रेशन का। सो रॉबर्ट हुक ने ये देखा कि जब हम किसी स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई करके एक्सटेंशन या कंप्रेशन प्रोड्यूस करते हैं तो वो एक्सटेंशन या कंप्रेशन डिपेंड करता है कि आप कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और उसने ये देखा कि ये फोर्स का जो रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है विद एक्सटेंशन और कंप्रेशन, यानी अगर हम फोर्स इतनी अप्लाई करें तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन इतना प्रोड्यूस होता है, अगर फोर्स को डबल कर दें तो एक्सटेंशन डबल हो जाएगी, अगर आप फोर्स को थ्री टाइम्स कर दें तो एक्सटेंशन थ्री टाइम हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, उसने ये देखा कि ये जो डायरेक्ट रिलेशन है बिटवीन फोर्स एंड एक्सटेंशन, ये एग्जिस्ट करता है विद इन अ लिमिट नोन एज इलास्टिक लिमिट। और इलास्टिक लिमिट कौन सी लिमिट है? ये वो लिमिट है जिसके अंदर रहते हुए आप बॉडी पर से जब फोर्स को रिमूव करते हैं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल डायमेंशंस को रीगेन कर लेती है, तो उस लिमिट को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट, और उस मटेरियल को कहते हैं इलास्टिक मटेरियल। इट मींस हुक्स लॉ होल्ड करता है फॉर इलास्टिक मटेरियल्स, हुक्स लॉ होल्ड करता है विद इन अ लिमिट कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। अब हुक्स लॉ की स्टेटमेंट हम देखते हैं कि विद इन इलास्टिक लिमिट द एक्सटेंशन और कंप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, कि जितनी हम फोर्स अप्लाई करते हैं उतना ही एक्सटेंशन या कंप्रेशन प्रोड्यूस होता है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये है कि जितनी फोर्स आप अप्लाई करेंगे उतना ही एक्सटेंशन या कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा, और ये कौन सी लिमिट में ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी? इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए आप ये बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली इस लॉ को कुछ इस तरह से लिखा गया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी एफ को रिप्रेजेंट करते हैं हम फोर्स से, एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये जो कंप्रेशन या एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ है, यानी हमारे केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ जो ये एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है वो एक्स है और जो फोर्स हमने अप्लाई की है वो एफ है। सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करते हैं तो एक कॉन्स्टेंट लेकर आते हैं, और ये कॉन्स्टेंट हुक्स लॉ के केस में के से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सो एफ इज इक्वल टू के एक्स, वेर के इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नोन एज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। सो के को हम लिख सकते हैं कि के इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एक्स, यानी एक्स को हमने इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो ये डिवीजन में चला गया, के इज इक्वल टू एफ बाई एक्स। सो स्टूडेंट्स, अब ये स्प्रिंग कॉन्स्टेंट की यूनिट क्या है इसको हम इस रिलेशन की मदद से इजीली राइट कर सकते हैं, इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। चूंकि फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में, एक्स क्या है एक्सटेंशन है, इसको मेजर करते हैं मीटर में, तो के इज इक्वल टू न्यूटन आवर मीटर, यानी हम कहते हैं कि ऐसे यूनिट ऑफ के, ऐसे यूनिट ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज न्यूटन पर मीटर। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या स्टडी किया? हमने स्टडी किया हुक्स लॉ को। हुक्स लॉ डिस्क्राइब करता है द रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड द एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन प्रोड्यूस्ड इन अ वायर और अ स्प्रिंग, यानी किसी स्प्रिंग में जो हम एक्सटेंशन या कंप्रेशन प्रोड्यूस करते हैं वो डिपेंड करता है कि हम कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सो हुक्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है? हुक्स लॉ की स्टेटमेंट कुछ यूं है कि विद इन इलास्टिक लिमिट द एक्सटेंशन और कंप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, यानी जितनी हम फोर्स अप्लाई करते हैं उतना ही एक्सटेंशन या कंप्रेशन प्रोड्यूस होता है, और ये बिहेवियर एग्जिस्ट करता है विद इन द इलास्टिक लिमिट।